नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सब दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक पीएफ खाताधारक है तो पीएफ खाताधारकों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर ये होता है कि पीएफ का पैसा किस तरह से निकाला जाता है। स्पेशल तौर पर उन पीएफ खाताधारकों का कि उनकी नौकरी यहाँ पर 6 महीने या उससे कम की है तो उन्हें ये डाउट होता है कि क्या उनके पीएफ का पैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा तो कैसे निकलेगा और नहीं निकलेगा तो क्यों नहीं निकलेगा। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशेष सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर मैं आपको पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर देते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी एक पीएफ खाताधारक है और ये जानना चाहते हैं कि आपकी नौकरी 6 महीने से कम की है, आपने किसी कंपनी संस्था ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने या उससे कम यहाँ पर जो है काम किया है, तो क्या आपको आपका पीएफ का पैसा जो 6 महीने तक या 6 महीने से कम तक आपने अपनी कंपनी में कटवाया, पीएफ में जमा करवाया, वो आपको मिलेगा या नहीं। तो इसका जवाब यहाँ पर जो है दो तरफा है। यदि आपने नौकरी 6 महीने से कम की यहाँ पर की है, ऐसी स्थिति में आप अपने पीएफ का पैसा तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, लेकिन आपके पेंशन का पैसा यहाँ पर जो है नहीं निकलता है। जैसे कि आपने पीएफ की पासबुक कुछ इस तरह से यहाँ पर देखी होगी, इसमें 3 कालमों में यहाँ पर अंशदान होता है। एक होता है आपकी वेतन से जो पैसा कटता है वो, दूसरा होता है आपकी कंपनी आपके नियोक्ता के तरफ से जो पैसे जमा किए जाते हैं उसका 3.67%, और ये जो लास्ट में पेंशन का जो कालम होता है इसमें होता है नियोक्ता की तरफ से जमा किए गए 12% का 8.33% पैसा। तो ये जो पेंशन का पैसा 8.33% होता है, ये यदि आपने 6 महीने से कम की नौकरी की है तो आपको नहीं मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर यदि आपने ईपीएफओ में 6 महीने से कम का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किया है और आप चाहते हैं कि आपका पीएफ का पूरा पैसा निकल जाए तो ऐसा नहीं होगा। आपको केवल पीएफ का यानी कि आपके तरफ से किया गया कंट्रीब्यूशन और आपके नियोक्ता की तरफ से किया गया, आपकी कंपनी की तरफ से किए गए कंट्रीब्यूशन का 3.67% पैसा यानी कि इन दोनों कॉलमों का ही पैसा यहां पर जो है आप निकाल सकते हैं। इसे निकालने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म 19 यहां पर जो है अप्लाई कर सकते हैं और पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपकी 6 महीने में एक दिन की भी यहां पर जो है कमी है नौकरी में कंट्रीब्यूशन में, तो आप पीएफ का पैसा तो निकाल सकते हैं लेकिन पेंशन का पैसा यहां पर जो है नहीं निकाल सकते हैं। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि ये पेंशन का पैसा आखिर मिलता कब है। तो साफ सुथरी बात ये है कि 6 महीने से कम की यदि आपकी नौकरी है तो भूल जाइए कि ये पैसा आपको यहाँ पर मिलेगा। हाँ, यदि 6 महीने से ज़्यादा की आपकी नौकरी है तो आप पीएफ का भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं, पेंशन का भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगेन पेंशन का पैसा आप तब तक ही निकाल सकते हैं यदि आपकी नौकरी 6 महीने से ज़्यादा की है और 10 साल से कम की है। यदि 10 साल से ज़्यादा की नौकरी आपकी है, ऐसी स्थिति में भी ये पेंशन का पैसा यहाँ पर नहीं निकलता है, क्योंकि इसके एवज में फिर आपको जब आप 58 साल के यहाँ पर होते हैं तो पेंशन मिलती है। एक स्पेशल कैलकुलेशन के तहत यहाँ पर आपको जो है पेंशन प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए जब भी आप यहाँ पर जॉब छोड़ने जा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें कि कहीं आपकी नौकरी में भी कहीं 6 महीने से 2-4-6 दिन कम तो नहीं बचे है। ऐसी स्थिति में अपने 6 महीने का अंशदान कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जो है कम्प्लीट करें, इसके बाद यदि आप नौकरी छोड़ते हैं तो आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। सो आई होप आपका ये जो डाउट रहा होगा कि 6 महीने से कम की नौकरी में आप पीएफ का पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।